इससे हाँ मुर्दाबाद 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 है योगी योगी मुर्दाबाद 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 है योगी मोदी मुर्दाबाद 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 है हुकुमशाही मुर्दाबाद 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 है हिटलर शाही मुर्दाबाद 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 है बेबल शाही मुर्दाबाद 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 है धर्मवाद मुर्दाबाद 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 है जातिवाद मुर्दाबाद 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 है हुकुमशाही मुर्दाबाद 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 है योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद 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 त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद 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 जातिवादी सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद 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 हिटलरशाही सरकार मुर्दाबाद 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 हरियोगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी साथियों से, सभी भाइयों से और बुजुर्गाने दोस्तों से और अजीत साथियों से गुजारिश है हमारी कि आप सब जो मंडप के अंदर आके बैठे और यहाँ पे बैठ के इस धरने के अंदर जो है तो अपना भी हिस्सा लगाए और इस धरने को कामयाब कराए। अरे गंगा जी के दो दो पानी, अरे गंगा जी के दो दो पानी में और हमारे भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए, इसलिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट जब हम कर रहे हैं तो हमारे अनवर भाई जो नारे लगा रहे हैं तो हम उसका जवाब ऐसा दें कि सरकारों की जो है तो दीवारें हिल जाए और हमारी आवाज जो है तो सरकार तक जाए। अत्याचार और जुर्म जहाँ पर मस्जिदों को तकरीबन 30 से ज्यादा मस्जिदों को नजर आतिश किया गया है, कुरान पाक की बेहरमती की गई है, मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हुई है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। ये आंदोलन इसी के लिए रखा गया है ताकि हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती न हो और जो हिन्दुस्तान में पिछले कुछ सालों से हमारे ऊपर अत्याचार और जुल्म बढ़ रहे हैं उसी को रोकने के लिए हमें जो है तो इस तरीके के जमहूरी अंदाज में
प्रोटेस्ट करना होंगे, क्योंकि यह हक हमको हमारे संविधान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इसका अधिकार दिया है, इसका हक दिया है। इसी तरीके से हमको अगर हम हमारे भाइयों के लिए मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वहां पे जो सामाजिक कार्यकर्ता या पार्टी लेवल के जो नेता है, जब हमारे मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कुरान शरीफ की बेहर में हो रही है, हमारी बात को सुनो। और जो हम पे जुल्म कर रहा है वो इंसानियत को दबाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल करो। मगर वहां की सरकार ने उनका जरा भी नहीं सुने, क्योंकि हमने जो है वहां के मुख्यमंत्री का ऐसा दावा था कि वहां जो है मस्जिदों के अंदर हमने गवर्नमेंट के ऑफिसर भेजे हैं और वो चौकशी कर रहे हैं। और वो चौकशी जब वहां गवर्नमेंट के ऑफिसरों ने जब करी, तो उन्होंने उसके अंदर ये बताया है कि कोई मस्जिद जली नहीं गई, कोई कुरान शरीफ की बेहरमाई नहीं हुई। हमारे उलमाए ये भी जाके मुख्यमंत्री से मिले कि जो है भाई यहाँ पे जो है बेहरमाई मस्जिदों को जलाया जा रहा है, और ऐसे ऐसे हमारे पास जो है तो न्यूज आई है, और ऐसे जो है तो मामला है, तो वहां के मुख्यमंत्री हमको जवाब देता है यहाँ के लीडरों को और नेताओं को। उसके ऊपर कुछ सोच विचार, कोई समझ से काम नहीं ले रहे। हमें जो है हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है देश का है, यहाँ के नौजवानों का है, और भारत देश को अखंड रखने की बात और एकता की बात लेके हमारे यहाँ के नौजवानों को चलना है। और कायदे की दायरे के अंदर रहकर हमको जो है इन जुल्मों को मिटाना है और इसका खात्मा करना है। अगर हम ऐसा करते हैं, अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद, अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद, अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, अरे अमित शाह मुर्दाबाद, अरे जातिवाद मुर्दाबाद, अरे बेबशाही मुर्दाबाद, अरे हुकुमशाही मुर्दाबाद, अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे बेबशाही मुर्दाबाद, अरे भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद, अरे अमित शाह मुर्दाबाद, अरे हुकुमशाही मुर्दाबाद, अरे हुकुमशाही मुर्दाबाद, अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे बेबशाही मुर्दाबाद, अरे बेबशाही मुर्दाबाद, अरे जातिवाद मुर्दाबाद, अरे धर्मवाद मुर्दाबाद, अरे हुकुमशाही मुर्दाबाद, अरे योगी मोदी मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद। अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे त्रिपुरा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे हुकुमशाही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे बेबन शाही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे जातिवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे धर्मवाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे योगी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं जमुनी अंदाज में, ये एक सामाजिक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि हम जो है तो संविधान के तहत में रहते हुए जमुनियत को बचाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, और हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई और अन्य धर्म के हमारे प्रॉफिट है, इसलिए हम उनका फक्र से नाम लेते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अगर उठा के देखेंगे, उनकी जिंदगी अगर वो किताबों से पढ़ेंगे तो उनके मुझे पता चलेगा कि जनाब आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी को गुजारा है, और इस उम्मत के लिए और तमाम इंसानियत के लिए वो कैसे जो है तो अपने आप को उन्होंने जो तो खपाया, और कैसे अपने आप को जो है तो इस उम्मत की और इस तमाम इंसानियत के लिए, इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए, जो काम किए वो हम जानते हैं। इसलिए हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कोई ये जमुनी अंदाज में है, इसलिए हम मुसलमान भाई और सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हुए, क्योंकि हम जो है तो सिकुलिज्म जो देश है, हिंदुस्तान हमारा जो देश है सिकुलिज्म है, यानी कोई धर्म पात का देश नहीं है, कोई एक धर्म का देश नहीं है, इसमें अन्य धर्म के लोग है, अन्य धर्म की जाति के लोग है, इसलिए हम जो तो सिकुलर देश में जो रहते हैं, इसलिए तमाम के तमाम जो धर्म के लोग भी है वो भी इसमें शामिल हो, उनसे भी हम जो है तो उनको भी दावत देते हैं इस धर्म के अंदर शामिल होने के लिए, क्योंकि त्रिपुरा के अंदर जो हादसे हुए हैं और भी कई जगह ऐसे हादसे हुए, इससे पहले आसाम में भी हुआ था, और बहुत सी जगह जो है तो मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम जानते हैं फिर क्यों उसे जलाया जा रहा है, फिर क्यों जो तो जनाब आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, क्या कोई मुसलमान भाई जो है तो किसी मजहब के ऊपर किसी मजहब को गलत कहता है, कि किसी मजहब को जो है तो किसी की मजहब के ऊपर उन्हें कुछ टीका किया है नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मजहब ही हमें सिखाता है क्या खुद के मजहब दूसरे मजहब की कोई उकल्ड होनी हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हमें तो इखलास के साथ में और अमन के साथ में, मोहब्बत के साथ में रहना है, जैसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ और अखलाकियत के साथ और जो है तो सबसे पहले तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, बहुत शानदार अभी जो इनसे नारे लगना चाहिए कि नाटी आवाज दिल्ली तक पहुँचना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि अपनी हम कमजोर कौन नहीं है, हम खामोश हुए तो क्या हुआ, हम कमजोर कौन नहीं है, हम देखो मेरे साथ में सभी भाइयों ने हाथ उठा के नारे लगाना चाहिए, जितनी आवाज से नारे लगाएंगे कि अपनी आवाज दिल्ली तक पहुँचना चाहिए, नारे त्रिपुरा के अंदर
अपने हालात क्या चल रहे हैं। आप सभी व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रही है किस तरह अपने हिंदुस्तान में हालात चल रहे हैं। वहाँ की लोकसंख्या 33 लाख है, उसके अंदर सिर्फ 3 लाख मुसलमान है, तो उनको कमजोर करे जा रहा है। उनके डिबेट में जब आ रहे हैं ये तो कहते हैं क्या गलत पोस्ट है, व्हाट्सएप फेसबुक पर गलत पोस्ट चल रहे हैं, वहाँ की हालत अच्छी है। ये बीजेपी वाले डिबेट में आके क्या कहते हैं कि वहाँ की हालत अच्छी है, फेसबुक व्हाट्सएप पे गलत चल रहा है। हमने हमारे आंखों से देखा है वहाँ का मंजर। वहाँ न शरद पवार ने कुछ कहा, न राहुल गांधी ने कुछ कहा, न कोई नहीं, हमको सब। दोस्तों बुजुर्गों, आज मोर्चे का आंदोलन का मतलब ये है कि तिरुपुरम में जो मजीदा शहीद किए जा रहे हैं और जिसमें पुराने पाक की बेहरमती की गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की गई, इसमें सारे मुसलमानों को आना चाहिए। आप जब तक रोड से नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज अपनों को जागना होगा, आज अपन सोए हुए हैं, तुमको जाग कर ये बताना पड़ेगा हुकूमत को कि हम रोड पे उतरेंगे तो फिर तुम वाला। रहीम जय नसीम पर तशरीफ फरमा। हमारे शहर के सीनियर लीडर माजी नगर अध्यक्ष जनाब परेखा जी पठान साहब, हमारे महाराष्ट्र के एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता जनाब प्रभाकर जी पारदे साहब, हमारे शहर सदस्य प्रेम प्रधान साहब, और अभी अभी यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे अनु मौलाना कुरेजी साहब, और रजा अकेडमी के हमारे निजाम साहब शमीम रजवी साहब, और सभी रजा अकेडमी के लोग जो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुए हैं। हम उनका सबसे पहले तो इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ मौलाना अख्तर साहब तशरीफ लाए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और मेरे सामने बैठे हुए सभी नौजवानों ने मजलिस और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले, आज हमारा इस आंदोलन प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादाती बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह यह है कि हम जो है तो सोए हुए हैं, हम जो है तो खामोश है, हम जो है तो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। इसलिए और यहाँ पर सुन्नी तैयबा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना सरफराज साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और इसकी वजह यह है कि हम खामोश है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ना जाने हमको क्या हुआ है, ना जाने कि हमारा इतना ईमान कमजोर हो चुका है कि जिसके विरासत में जिसके लिए ये दुनिया बनी है, जो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला के पास मेराज के दिन गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने जूतों समेत चाहे तो मेरे अर्श पर आ जाओ, उनके लिए दुनिया बनी है। लेकिन आज हमारे बार बार जो है तो खबीस नरसिंह रहो बार बार जो है तो हमारे आका के खिलाफ गुस्ताखी करता है, बार बार जो है तो अपशब्द कहता है, उसको जो है तो जब तक जेल में नहीं डाला जाता है, जब तक उसको शिक्षा नहीं होती है। हम ये प्रोटेस्ट तो क्या, हमारे घर घर से एक बच्चे को निकाल कर तो प्रोटेस्ट करेंगे और उसको जो है तो बताएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में भी संविधान जिंदा है और जिस संविधान के तहत जो है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आज जो है तो दोस्तों हमारे देश में जो है तो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती बढ़ने की वजह ये भी है कि जब जब की हमको आवाज दी जाती है तो हम अपने मसले मसाइल में खो जाते हैं। हम जो है तो किसी शासन के कहने पर या किसी सत्ताधारी लोगों के कहने पर तुरंत हमारी दुकानें बंद कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आ जाती है, जब हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म होता है, जब हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म किया जाता है और हमें आवाज लगा दिया जाता है तो हमें कुछ समय निकालने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता है। जिस तरीके से आज देखा गया कि पूरे महाराष्ट्र भर में नहीं बल्कि देश भर में जो है तो ज्यादातर जगह पर बंद रखा गया है, जिस तरीके से हमने देखा कि जालना जिला बंद है, औरंगाबाद बंद है, सब बंद है, मुंबई बंद है,
सभी बन होने मालेगांव बन है। आज जो है तो हमारे तालुके के अंदर एक अजंता गांव और सुना गांव ऐसे गांव जो है तो बंद है, लेकिन आज हमारे शहरवासियों को इतनी जो है तो विनंती करने के बाद भी इतने जो है तो बार बार विनंती करने के बाद भी जो है तो उन्होंने जो है तो इसको बंद नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आते और ऐसा आंदोलन करते हैं कि हमारी सरकार हिल जाती, लेकिन माशाल्लाह आज हमारे नौजवानों ने हमको बहुत अच्छा साथ दिया और इसी तरीके से हम उनसे आगे भी उम्मीद करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो है तो जिस कई बड़े नेता ने जो है तो एक बार कहा कि मैं जो है तो इस बात का खंडन करता हूँ, इस बात का निषेध करता हूँ, क्या मैं इस बात को जो है तो पुरजोर एहतजाज करता हूँ। नहीं दोस्तों, क्योंकि हम अपनी जो ओरिजिनल ताकत है वो लोगों को दे बैठते हैं। और जब अगर सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ताकत है वो हिंदुस्तान का संसद और हिंदुस्तान की विधानसभा है। और मुसलमानों की बर्बादी के कानून, जैसा कि मेरे कायद अकबर अवेसी ने कहा कि मुसलमानों की बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं, तो इसलिए हमको ऐवानों तक ऐसे लोगों को भेजना होगा जो हमारी आवाज को उठा सकते है, जो हमारे अपने है, जो हमारे जो है तो अपने काम आ सकते हैं। नहीं तो ये लोग दोस्तों थोड़ा क्या है कि हम जो है तो हमारी आज कोई आवाज उठाने आज ये जो एहतजाज रखा गया है, एहतजाज की गर्ज रवायत हिंदुस्तान की जमहूरियत को तार तार करना और बनाए हुए संविधान के कवानीन को तार तार करना और इस गंगा जमुना तहजीब को बरकरार न रखते हुए इसको किसी एक सिमत ले जाकर हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करना है। लिहाजा मैं इस पुर एहतजाज के ज़रिए से मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत को ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तानी कवानीन को बरकरार रखिए, वरना आप उन अयामों को देखेंगे, उन दिनों को देखेंगे जो 1947 से पहले इस हिंदुस्तान ने देखा है। अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत को तार तार करने की कोशिश की गई, फ़िका वाराना माहौल को बरकरार किया गया, तो इंशाल्लाह फिर ये ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा नौजन पर जी आले नजरें पड़ती है। कई जायद उलमा इकराम की 60,000 से जायद उलमा इकराम की गर्दनें लटकी हुई थी। इंशाल्लाह अगर आपने इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने की फिक्र नहीं की और आपको जो जिम्मेदार बनाया गया है, आपने अपनी हुकूमत को सही चलाने की कोशिश नहीं की, हिंदुस्तानी कवानीन को तार तार करने की फिक्र की और हमारे जुल्म और हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार का अगर आपने सब्र करने का इम्तिहान लेने की कोशिश की, तो आप देखेंगे जैसे हमने इस सरजमीन हिंद को अपने सुर्खियों से लाल किया है, इंशाल्लाह हम तहफ्फुज़े कुरान के लिए और शियारे इस्लाम के लिए फिर से वो कदम उठाएंगे। किसे शायर इस्लाम ने बहुत बेहतरीन अंदाज में मेरे और आपके ताजदार आका से मुराद ये नहीं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो मुल्क मक्का के अंदर पैदा हुए थे, अरब में पैदा हुए थे, ये मुसलमानों की जागीर नहीं थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के रसूल थे, मुसलमानों के गुरु थे। नहीं दोस्तों, बल्कि ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी सतह पर पूरे हिंदुस्तान के गुरु थे, पूरे हिंदुस्तान के मुक्तदा थे, रहबर थे। उन्हीं की शान में किसी शायर ने कहा है, मैं क्यों उनके हक में कहर इलाही की दुआ मांगू, जब मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ और ताजदार मदीना के नाम लेवाओं को ज्यादती करने लगे, तो किसी शायर ने कहा है, मैं क्यों उनके हक में कहर इलाही की दुआ मांगू, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगू। ए हिंदुस्तान की हुकूमत पर जलवा अफरोज हुक्मरानों, आप याद रखो कि हमारा ये शेर आप ही की नजर है, अगर आपने जुल्म ज्यादती को रोकने की कोशिश नहीं की। السلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم تمامي درنے آندولن کے اندر حاضر میرے تمام
हिंदुस्तानी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हमारा इस धरने और आंदोलन में आने का मकसद आप सबको पता है कि तहफ्फुज़े नामों से रिसालत है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए, मैं एक शेर पढ़कर इस गुफ्तगू को आज़ाद करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ए सुभान अल्लाह, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरी बात आपको और अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कहिए, नारे लगाइए, मगर तालियां ना बजाए। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि ताऊन जलजला कहीं तूफान आएगा, ताऊन जलजला कहीं तूफान आएगा, हर सिंत से तबाही का सामान आएगा, जब तुमसे हो सकेगी ना भारत की हिफाजत, जब तुमसे हो सकेगी ना भारत की हिफाजत, तब सरहदों पे लड़ने मुसलमान आएगा, जब सरहदों पे लड़ने मुसलमान आएगा। आप सब हमारे मुल्क के लिए तैयार है ना? आप सब वादा करते हैं कि मुल्क के लिए जब भी जान देने की बारी आएंगे देंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, हमारे उलमाए किराम ने जो है रजा एकेडमी बम्बई के कायदे अहले सुन्नत जनाब सईद नूरी साहब ने एक बहुत ही प्यारा नारा दिया है, एक तहफ्फुज़े नामों से रिसालत बोर्ड बनाया है और उसी के अंदर उन्होंने ये नारा लगा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब आइए, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मैं पहले हिंदुस्तान की हुकूमत से नहीं बल्कि आप सबसे मुखातिब हूँ। ऐ मेरे हिंदुस्तानी मुसलमानों, ऐ मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, ऐ मेरे ख्वाजा को चाहने वालों, आइए। इमाम गजाली फरमाते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम कौम के अंदर या दूसरों के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुलिया गालियां दी जाएंगी तो याद रखो तुम पर मुसीबतें ढाली जाएंगी मुसलमानों के ऊपर। और हम सोचते हैं कि हमारे इस धरने आंदोलन से क्या होगा, याद रखिए, जुल्म पे एहतजाज न करना ये भी जालिम का साथ देना है। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि उम्मत के दरमियान अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाए और तुम खामोश हो तो याद रखो तुम्हारी माँ बहनें बाजारों में बेची जाएंगी और तुम पर जुल्म ढाया जाएगा, तुम्हारी औलादों को कत्ल किया जाएगा। है मेरे हिंदुस्तानी मुसलमानों, आज से अजम कर लो, आज से वादा कर लो, आज से इरादा कर लो कि हम जब भी नामों से रिसालत पर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, उठाएंगे ना, आवाज जरूर उठाएंगे। और अभी करूंगा, निकलते हैं ना बाहर तो देखिए किन ऊपर हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वो भले बहुत दूर है मगर मुसलमान मुसलमान का भाई होता है और हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी का भाई होता है। तो देखिए, जब उनके घरों में आग लगी तो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे घरों में भी आग लगेंगी, तुम्हारी माँ बहनों की भी इज्जत लूटी जाएंगी, तुम्हारे घरों को भी लूटा जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें भी तोड़ी जाएंगी। अगर हम आज आंदोलन नहीं करेंगे, आज अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो कल वो दिन दूर नहीं कि हमारी मसाजिद पर भी बुलडोजर चलाया जाए। ऐ मुसलमानों, अपनी गैरत को जिंदा करो, अपने गयूर होने को जिंदा करो। कोई फरमाता है ना कि गयूर मुसलमान, ऐ मुसलमानों अपनी गैरत को जिंदा करो और वादा करो कि जब भी नामों से रिसालत पर या किसी भी मजलूम पर जुल्म किया जाएगा हम उसके खिलाफ हाथ उठाएंगे, हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ऐ मुसलमानों, याद रखो इस्लाम के अंदर किसी को भी जुल्मन मारना जायज नहीं। उलमा फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के एक इंसान तो इंसान एक जानवर का भी ये हक बताया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा बैठे हैं, आप उलमा से जाकर बाद में पूछ लीजिएगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी जानवर के भी चेहरे पर मारना जायज नहीं। अब याद रखिए कि जब एक जानवर के चेहरे पर मारना जायज नहीं तो एक इंसान को मारना कैसे जायज हो सकता है? एक
इंसान को मारना कैसे जायज हो सकता है। तो हम मुसलमान, हम आका अलैहिस्सलाम के दीवाने, हम आका अलैहिस्सलाम को चाहने वाले, हम कैसे जुल्म कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। एक बात जहन में रख लो, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस शख्स को मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत ना हो वो मेरा, और फरमाया कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माल और दौलत, इससे ज्यादा अगर तुमको मुझसे मोहब्बत है तो तुम मेरे हैं। और आज मैं सिल्लौर के तमाम ही लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूं, इसलिए कि अल्लाह के नबी की नामूस पर, अल्लाह के नबी पर गुस्ताखी की गई और उस नाम पर उलमाए किराम ने बंद फरमाया और सिल्लौर चालू। ये नहुसत है किसी की, अल्लाह उस नहुसत से हमको पाक फरमाए। मोहतरम दोस्तों, नबी से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। और मैं एक आपको हदीस बता रहा हूं, अब नहीं, मौलाना ने हदीस बताना शुरू कर दिया। जुमा में मैंने आज बताया दो मस्जिदों में कि हमको जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जिसको मुझसे मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा, उसके माल से ज्यादा ना हो वो मेरा नहीं, अगर वो उसको ज्यादा मुझसे मोहब्बत है तो वो मेरा है। और आज सिल्लौर वालों ने बता दिया कि हमको माल से मोहब्बत, हमारी दुकानें बंद नहीं होंगी, लानत है इसी दुकानों पर। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कतरा कतरा दरिया मिशवत, ये फारसी लफ्ज है, कतरा आसमान से गिरता है। मैं बहुत गहराई की बात बता रहा हूं, सब जहन में रखो, कतरा आसमान से गिरता है पत्थर पर, पत्थर से तरनाले पर, तरनाले से नाली पर, नाली से नाले में, नाली नाले से नदी में, नदी से दरिया में, दरिया से समंदर में। एक सिस्टम है, मेरे नबी पर गुस्ताखों ने गलती की, हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हक बात तुमको पेश करना है और तुम्हारे अंदर ताकत है तो उससे हाथ से रोको। और इसीलिए अल्लाह के रसूल की एक हदीस बता रहा हूं कि अल्लाह के रसूल जब भी किसी नौजवान को देखते, लेकिन सेहतमंद नौजवान को देखते, सेहतमंद नौजवान को, तो हंसी से मुस्कुराते थे। अब आज हमारे हमारे लोगों को क्या हो गया पता नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मन बंद बनाया जा रहा है। अगर कोई नेता ने, कोई कमीने ने, कोई बेवकूफ ने, दुनिया की किसी लीडर ने कोई ऐलान कर दिया कि आज संत है तो सब संत मनाते। और आज उलमाए किराम ने सिर्फ इस वजह से कि गम हो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भाइयों को भी मालूम हो कि ये लोग नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक आवाज पुकारने पे पूरा हिंदुस्तान बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह कई शहरों से खबर ली तो सारे शहर बंद है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे शहर में भी नबी की मोहब्बत को पैदा फरमाए। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक बात और बताता हूँ कि फरमाया कि अगर हक बात जालिम जुल्म कर रहा है उसको हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जबान से रोको, और अगर जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो। तुमने खुली रुकाने रखकर ये बता दिए कि हमारे दिल में भी बुराए समझने की ताकत नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी के लिए बंद पुकारा जा रहा, एक हदीस बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब बंदा मरता है, बंदा मर जाता है। आप उन्हें मौलाना, ये सियासी नहीं है, ये दीनी मजलिस है, हमारे दीन पर हमला हुआ, हमारे दीनी भाइयों पर हमला हुआ, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत के जितने मक्कार बैठे हुए हैं उन मक्कारों को मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दुनिया के किसी भी इंसान के खिलाफ जुल्म को पसंद नहीं करेंगे। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके लिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि दुनिया अगर मुझे पैदा न किया जाता तो दुनिया बनाने का मकसद ही नहीं था,
मुझे पैदा किया गया इसलिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए दुनिया बनाई गई और हम अपनी दुनिया बना रहे हैं, कितने लाहौल की बात है। तो एक हदीस सुन लो कि एक आदमी मरता है, सुन लो भाई, मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में ले जाने के बाद सबको मालूम है उसके चेहरे को किबला रुख करते, किबला रुख क्यों करते मैं आप सबको बता दे रहा हूं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका नामदार थे जहां फरमाते हैं कि तुम मुसलमान हो, दुनिया के किसी कोने में तुम्हें दफन किया जाए, दुनिया के किसी कोने में तुम्हें दफन किया जाए, तो उस जगह से दफन की जगह से लेकर मेरी कब्र तक हदीस है सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं और मेरे उस उम्मती से सवाल किया जाता है मन रब्बू का मा दीनू का मन नबियों का। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे यूं कहा जाएगा मन हाज़र रजुल, मन हाज़र रजुल, ये शख्स कौन है। तो अगर वो दीनदार होगा और मोहब्बत जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि यहाँ पर हमारा और आपका आना किस लिए हुआ। हजरात मोहतरम अल्लामा इकबाल ने हमें और आपको आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की गवाही का जो जरिया हमें और आपको दिया है, अल्लामा इकबाल अपनी मोहब्बत में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात मोहतरम इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1947 से पहले हिंदुस्तान का जो माहौल था और 1947 के बाद हिंदुस्तान का जो माहौल बना, हजरात मोहतरम जब 1947 के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त गांधी जी ने किसका मिसाल पेश किया था, किसकी मिसाल पेश की थी, वो हमें और आपको देखना और समझना भी है कि अगर कोई भी किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो मानने वाला अच्छे ही इंसान को चुनता है, अपनी मिसाल पेश करने के लिए किसी अच्छे ही इंसान को चुनता है और उसकी मिसाल को सब लोगों के सामने पेश करता है। तो हजरत मोहतरम 1947 के बाद पेपर में जो तारीख छपी थी 27/7/1947 उस पेपर में उसी पेपर के नीचे लिखा हुआ है हरिचंद, उसी पेपर के नीचे लिखा हुआ है हरिचंद, यानी उसका लिखने वाला उसका जो राइटर है वो भी एक हिंदू ही है। तो हजरात मोहतरम मेरा बताने का मकसद ये है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, यानी ये सब हंगामा होने के बाद तरीपुरा में जो कुछ भी हुआ वो सब होने के बाद जो मस्जिदें तोड़ दी गई, 15 से 16 मस्जिदें शहीद कर दी गई, गाड़ियां चला दी गई उसके ऊपर, मस्जिदों को शहीद कर दिया गया हजरत मोहतरम, और फिर उस वीडियो में ये कहा गया कि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुसलमान साथियों मैं बाबा साहब का बेटा हूं, असदुद्दीन साहब का, ओवैसी साहब का मैं सिपाही हूं, आप सब लोगों का छोटा भाई हूं, इसलिए आप सबको जय भीम और जय मीम कहकर मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूं। साथियों थोड़े मराठी बोलोगे बरा लगते जरा है ना, मराठी त्याच्यासाठी एक मन है, मराठीत मन अशी आहे की रोग झाला मशीला आणि इंजेक्शन पखालीला, रोग झाला मशीला आणि इंजेक्शन लावलंय पखालीला, पखाल म्हणजे अभी मैंने उसको पूछा आपने मौलाना साहब को मस्कीजा शायद उसको कहते हैं, पुराने जमाने में पानी लाने के लिए चमड़े की पखाल बनाई जाती थी और भैंस के पीठ पर डालकर गांव में पानी लाया जाता था, पुराने लोगों को मालूम है।
अब वो पीठ के ऊपर रहता था इंजेक्शन उसको लगा रहे, बीमार तो महेश है। बाधवान आम एक नहीं अशा अनेक समस्या तो सामोर जाव लगे। या देशात आज का एखाद मुसलमान की हत्या झाली असं नहीं, आज एखादी मस्जिद पाडली किंवा झाली असं नहीं, तो अनेक वर्षापासून हे सगळे प्रयत्न या देशामध्ये चालू आहे। आणि मग अनेक वर्षापासून जर हे प्रयत्न चालू असतील हे कसे बंद केले? आणि म्हणून त्याच्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणायचे की जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है, जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है। हमारा ना राजा है ना हम ताजा है क्या? आज म्हणून मानवांनो आम्हाला या देशातल्या या सगळ्या समस्यांना जर एकदाच खतम करायचं असेल तर या देशाची राजकीय सत्ता तुम्ही तुमच्या कब्ज्यात घ्या। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। या देशात जर आम्ही ठीक आहे आज आम्हाला असं वाटतं कारण आमच्या डोक्यात एक लोकांनी काय केलं की हमको बोल दिया अल्पसंख्याक, क्या बोल दिए सरकारने बोल दिया हमने मान ली। या देशात ब्राह्मण 3.5% त्यांना कोणी अल्पसंख्याक म्हणताय का? तुम्हीच कसे काय अल्पसंख्याक हो? क्योंकि उन्होंने कह दिया हमने मान लिया। और बार बार बोलने से हमारे लोग में हमारे अल्पसंख्याक समाज है हल में अन्याय हो रहा। अरे कुछ नहीं भाई, जमहूरियत में उसको जिसका अधिकार उतना तुमको भी अधिकार। अगर संख्या हमारे पास है तो हम इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। मैं पिछले बार आपको उदाहरण देके समझाया था कि जो पीटे पीटे जो लोग हैं मार खाए हुए, चाहे दलित हो आदिवासी हो ओबीसी हो, या किसी को ईंट से मारा जा रहा है किसी को पत्थर से मारा जा रहा है, किसी को ईंट से मारा जा रहा है किसी को पत्थर से मारा जा रहा है, तो किसी को स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मारा जा रहा है। जो धीरे धीरे मर रहे हैं हमारे ओबीसी लोग हैं। कैसे मर रहे वो? आज तक उनकी जातिगत गणना नहीं हुई। ओबीसी तो मुसलमान में भी है भाई, है क्या नहीं? उनकी जातिगत जनगणना इसलिए नहीं हो रही है, अगर उनको पता चल जाए कि हम देश में 52% है वो सत्ताधारी बनेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं। उनको अगर पता चले कि हम 52% है तो रिजर्वेशन भी 52% देना पड़ेगा, बराबर है, इसलिए वो नहीं हो रहा है। अब हम लोग दलित और मुसलमान मिलकर 39% है, कितने 39। कभी दलित को कभी अगर मुसलमान को पत्थर मारा तो दलित को ईंट मारी है, सर तो दोनों का फूट ही रहा है, जख्म तो हो रही है, तकलीफ तो एक जैसी है। अगर सब पीटे पीटे लोग अगर एक जगह आ गए तो इस देश में हम हुक्मरान बन सकते हैं। मसलन मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं, छाछ होती है, छाछ क्या बोलते हैं? छाछ, बराबर है। दूध, अगर दूध गाय का दूध है, गाय से निकालो बकेट में, उसको गर्म करो, उसमें रोटी डालो बाजरे की रोटी दूध में, वो एक जान होती है क्या? दूध में रोटी डालने के बाद एक जान नहीं होती, हो दूध अलग भागता रोटी अलग भागता, बराबर है। वो क्यों? कि रोटी ने मार खाया दूध ने मार नहीं खाया, वो जैसे गाय के तरफ से आया पैसे पतले में आ गया, उसने फटके खाए नहीं। लेकिन रोटी ने क्या, रोटी को पहले वो आटे चक्की में जाना पड़ा वहां मार खाया, घर में आई हमारी माँ ने उसको मल के तैयार किया वहां मार खाया, फिर थपथपाया, फिर तवे पे डाल दिया, फिर आग लगाई, इतने सब फटके खाने के बाद में वो थोड़ा जल्दी मिल जाता। लेकिन अगर वही दूध अगर उसका दही बनाया जाए, दही दही की छाछ बनाया जाए, उसमें क्या होता है? वो रही और मटका जो होता है उसमें क्या होता है? वो फटका खाता है, मार खाता है, पतला हो जाता है। फिर वो छाछ में रोटी डाल दो, एक जान होती कि नहीं? इसका मतलब दो फटके खाए हुए लोग
कभी भी एक साथ आ सकते हैं। ये कुदरती नहीं, हमें कुदरती कानून नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, फटके तुम भी खा रहे, फटके हम भी खा रहे। हाँ, इतना है कि कोई कम खा रहा, कोई ज्यादा खा रहा, खा रहे तो फटके ही। इसलिए इस देश में हम अभी अभी इस जड़ को खत्म करने के लिए हमको हुक्मरान होना बहुत जरूरी है। और कैसे होगा हुक्मरान? मैं आप लोग बोल रहे हैं अभी कि एक मस्जिद को जलाया, दो मस्जिद को जलाया, चार मस्जिद को जलाया, बराबर है। यूपी में लोगों को मार दिया, कई लोगों को मार दिया, ठीक है ना। भारत में अलग अलग धर्म है, सभी धर्मों की रक्षा कौन कर रहा है? संविधान। सभी धर्म ग्रंथों की रक्षा कौन कर रहा है? संविधान। आज वही संविधान खतरे में है। एक धर्म की रक्षा कैसे करोगे? एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अगर हमने उस संविधान को 100% अगर हमारे कब्जे में लेकर लागू किया, क्या भारत का संविधान फिर इस देश में दंगे होने देगा? उसमें सब कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले हाथ गलत है, जो हम लोगों ने 2014 के बाद इस देश में चुने। या देशात त्या मोदीच सरकार आणि त्या अमित शहाच गृह मंत्रालय, हे झोपलेले गृह मंत्रालय, यांचं कसं चाललंय? मराठीत अजून एक मन आहे, मी नाही त्यातली आणि कडीला वाटली, मी नाही त्यातली, त्यातली म्हणजे तुम्हाला समजा मराठी, मैं वैसी नहीं हो लेकिन आ गए तो लगा लो कुंडी। तसं सरकारचं चाललंय, सरकार म्हणतो आम्ही आमच्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखायचं काम चाललंय, परंतु त्या सरकारला निवडून देणारे त्यांचे दलाल आणि चमचे जे आहेत ते या देशामध्ये जाती रंग घालण्याचं काम करत आहे, धर्माधर्मामध्ये वाद आणि भांडण लावण्याचं काम करत आहे। मागच्या प्रत्येक राज्याच्या जनाच्या निवडणुका येतात, कुठं ना कुठं हिंदू मुसलमानांचं भांडण, कुठं ना कुठं दलित मुसलमानांचं भांडण, कुठं ना कुठं अजून कुणाचं ना कुणाचं कुठला ना कुठला कोणती तरी स्ट्राईक घडवतात, कुठेतरी बॉम्बस्फोट घडवतात आणि लोकांमध्ये असं वातावरण निर्माण करतात या देशात जे काय घडतं ते सर्व मुसलमान करतात। आणि म्हणून टीव्ही डिबेटवर बसलेले आपल्याच माणसं, डोक्यावर टोपी असली, दाढी असली आणि दिसायला मुसलमान दिसत असला म्हणून ते मुसलमानच आहे की नाही हे जरा चेक करत द्यायचं, डीएनए हराम करायचं, जे वाटेल ते मनात येऊन बोलतात आणि अशी अशी भाषा बोलतात की ऐकणाऱ्याला राग आला पाहिजे आणि त्याच्यात दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण झाली पाहिजे। अशा प्रकारचा गोंधळ या देशामध्ये चालू आहे आणि तो जर थांबायचा असेल तर तुम्हाला राजा व्हावा लागणार आहे आणि म्हणून येणारा काळ अत्यंत भयानक आहे। रोज उगवणारा दिवस हा आमच्यासाठी चांगलाच असेल असं बिलकुल नाही। आणि म्हणून झोपताना सतर्कतेने झोपा, झोपताना सतर्कतेने झोपा आणि उठल्यावर रोज हा विचार करा की मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है। हमारे बच्चों को बोलो, हमारे लोगों को बोलो, और एक साथ कई भी बोलो लेकिन एक साथ। हम मैं नहीं बोला कि हाँ, लेकिन एक लीडरशिप डेवलप करो, अपना राजा बनाओ, अपना राजा बनेगा तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। कानून की रक्षा हम करेंगे, संविधान हमारे कब्जे में होगा। संविधान को बचाओ बोलने से संविधान बचने वाला नहीं है। इसलिए साथियों आज मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए, आप सब लोग यहाँ शिरकत, सब लोगों ने शिरकत की यहाँ, सब लोगों ने हमको सपोर्ट किया, सब लोग यहाँ पर आए, इसलिए मैं शिलौर वासियों का शुक्रगुजार हूँ। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप लोग सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे दो लफ्ज यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, आप बहुत दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, आज हम यहां पर सब इकट्ठा होने की वजह यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी ओर से यहां पर जो है तो धरना आंदोलन रखा गया है। इस धरना आंदोलन को पाठिंबा देने के लिए मैं माजी नगर अध्यक्ष बनेखा पठान सिल्लोड, वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से यहाँ पर मैं जो है तो हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर सभी जो है अलग अलग संगठना के सभी लोग, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है जिम्मेदार शेख मुख्तार उर्फ बबलू साहेब भाई पारदे साहब, हमारे जो है तो मजलिस उलमा के उलमा
मौलाना अख्तर, मौलाना अलवी, वैसे जो है तो हमारे रजा अकेडमी के यहाँ पर मौलाना सभी उनके जो है तो सभी साथी, आज हम यहाँ पर इकट्ठा होने की वजह यह है कि त्रिपुरा जो है एक भारत का एक हिस्सा है और त्रिपुरा के अंदर हम गए जो है तो कई दिनों से हमारे छोटे मोबाइल आते हैं, मोबाइल के ऊपर जो तो फेसबुक के ऊपर दिखाया जा रहा है, कहीं जो है तो मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया, कहीं हमारा जो है तो पवित्र पाक जो है तो कुरान को जो है आग के हवाले कर दिया, कहीं नौजवानों का जो है तो कत्ल कर दिया, कहीं जो है तो हमारे हुजूर की शान में जो है गुस्ताखी करने का काम किया, अलग अलग तरीके के अल्फाज बोलकर उनकी बदनामी करने का काम हो रहा है और ये सारी बातें जो है तो हमको फेसबुक के जरिए जो है तो दिखाई जा रही, ना तो किसी मीडिया ने ये बताया, ना तो किसी टीवी ने ये बताया, ना तो किसी जो है कोई जो है तो प्रिंट मीडिया ने बताया, ये जो हमको जो है तो आज फेसबुक है, हमारे पास मोबाइल है, तो ये सारी बातें हमारे को जो है समझ में आ रही है, नजर आ रही है। वैसा जो है तो हमारे को जो है तो डेढ़ से दो महीने से बार बार जो है तो यहाँ पर टीवी पे ये बताया जा रहा था कि आर्यन खान कोई तो भी है, उन्हें कोई तो भी गांजा का कश मार लिया, उन्हें गांजा का कश मार लिया, वो जो है तो एक्टर जो है तो शाहरुख खान का बेटा है, उसका बाप जो है तो बहुत अब्जपति है, बार बार जो है सवेरे उठे टीवी का बटन खोले आर्यन खान, शाम हो रही आर्यन खान, सवेरे हो रही आर्यन खान, डेढ़ महीने से चल रहा आर्यन खान आर्यन खान आर्यन खान, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही कोई खबर नहीं, मस्जिदों को आग के हवाले लगा कर दिया जा रहा कोई खबर नहीं, हमारा जो है तो पाक जो है तो कुरान शरीफ उसको जो है तो आग के हवाले कर दिया जा रहा कोई खबर नहीं, ना खबर उनको है ना खबर हमको है, हम भी सो रहे हैं, कोई खबर नहीं, कोई गुस्ती कोई जो है तो हमको चिंता नहीं, कोई हमारे दिमाग में मुंगे आने का कोई सवाल नहीं, चुड़ी चुप पड़े रहे सब सुकून से बस। अभी मेरे सामने जो है अभी बार बार जो है पुलिस हमको फोन कर रही है, जल्दी अटको, टाइम हो गया, रात हो गई, रात का अंधेरा हो गया, यहाँ सब चोरियां चल रहा है, डांस चल रहा है, शराब पिए जा रही है, लंबा नाच चल रहा है, बंद करो, इससे दुनिया खराब हो रही है, इससे इंसानियत खराब हो रही है, तुम्हारा प्रोग्राम गलत चल रहा है, तुम संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, तुम कानून के खिलाफ बोल रहे हो, तुम लोगों को जो है भड़काने का काम कर रहे हो, तुम आपस में जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हो, तुम जात पात की बात कर रहे हो, तुम धर्मवाद की बात कर रहे हो, तुम जो है कुलशाही की बात को पूछे मुसलमान कभी रहे क्यों कैसे कर रहा, अरे जंगसंग करा रहा, लीडरों को पूछे अरे कौन कर रहा है, अरे जंगसंग कर रहा, हाथ गाड़ी वाले को पूछे कौन कर रहा है, कब्रस्तान में जाओ संग कर रहा, शादी में बैठे संग कर रहा, घर में बैठे संग कर रहा, चार लोगों में टपरी बैठे संग कर रहा, ये सारी बातें कौन कर रहा, संग कर रहा, तुम क्यों कर रहा, क्यों कर रहा मालूम है, फिर ये करवाने के लिए वो क्या क्या कर रहा, उसका काम कहाँ कहाँ चल रहा, उसका काम मंदिर में चालू है, उसका काम ऑफिसों में चालू है, उसका काम व्यापारियों में चालू है, उसका काम गरीबों में चालू है, उसका काम दलितों में चालू है, उसका काम आदिवासियों में चालू है, उसका काम हर जगह चालू है, वो सवेरे नींद से उठता है तो काम को लग जाता है, शाम को सोता है, काम करते करते सोता है, हम जो है गफलत में है,